और वह ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु ने हमें साथ लेकर हज किया तो मैंने उन्हें ये कहते सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को इसके बाद कि तुम्हें दिया है एकदम से नहीं उठा लेगा, बल्कि उसे इस तरह ख़त्म करेगा कि उलमा को इनके इल्म के साथ उठा लेगा, फिर कुछ जाहिल लोग बाकी रह जाएंगे, उनसे फतवा पूछा जाएगा और वो फतवा अपनी राय के मुताबिक देंगे, बस वो लोगों को गुमराह करेंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे। फिर मैंने यह हदीस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से बयान की। उनके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने दोबारा हज किया तो उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हा ने मुझसे कहा कि भांजे अब्दुल्लाह के पास जाओ और मेरे लिए इस हदीस को सुनकर खूब मजबूत कर लो जो हदीस तुमने मुझसे उनके वास्ते से बयान की थी। चुनाचा मैं उनके पास आया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे वह हदीस बयान की उसी तरह जैसा कि वो पहले मुझसे बयान कर चुके थे। फिर मैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास आया और उन्हें इसकी खबर दी तो उन्हें ताज्जुब हुआ और बोली कि वल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने खूब याद रखा। सही बुखारी हदीस नंबर 7307।